नमस्कार दोस्तों, गली मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड आलू मसाला, जो बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच तेल का लिया है। तेल गर्म होने पर हम इसमें 3 आलू के पीसेस करके इसमें डाल देंगे। आलू को हम पहले अच्छे से वॉश करके उनका स्टार्च निकाल देंगे। उसके बाद हम आलू को लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। आलू लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तेल ऑलरेडी गर्म है, अब हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको हम अदरक और लहसुन के लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें 3 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। मसाले को यहाँ पे 30 सेकंड तक भूनेंगे। उसके बाद में इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई के ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर बिल्कुल से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसमें हमने जो आलू फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से घुल जाए इसमें। 2 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर के बिल्कुल से तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।